नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो आमिर खान ने हाल ही में दूसरी पत्नी किरण राव को तलाक दे दिया। तलाक के बाद से ही आमिर खान सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। आमिर खान के तलाक पर अब कंगना रनौत ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम कम्युनिटी को आड़े हाथों लेते हुए सवाल उठाए हैं। कंगना ने सोशल मीडिया स्टोरी पर लिखा है कि आखिर किसी मुस्लिम के साथ रहने के लिए मुस्लिम ही क्यों बनना पड़ता है। दोस्तों, कंगना के इस पोस्ट के जरिए कई सवाल खड़े किए गए हैं। कंगना ने पूछा है कि एक वक्त पर पंजाब में ज़्यादातर परिवारों में अपने एक बेटे को हिंदू जबकि दूसरे को सिख बनाने की रिवाज थी। ऐसा चलन हिंदुओं और मुस्लिम या सिख और मुस्लिम में देखने को नहीं मिलता है। आमिर खान सर के तलाक के बाद मुझे हैरानी होती है, इंटरफेथ मैरिज में हमेशा मुस्लिम ही क्यों बनना पड़ता है। इतना ही नहीं, कंगना ने पूछा कि आखिर क्यों महिलाएं हिंदू नहीं रह पाती हैं। वक्त बदलने के साथ हमें यह भी बदलना चाहिए, यह एक पुरानी और उल्टी प्रथा है। अगर एक परिवार में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और नास्तिक साथ रह रहे हो तो मुस्लिम ही क्यों, मुस्लिम क्यों नहीं बदल सकते? आखिर क्यों किसी को मुस्लिम से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ता है? दोस्तों, आपको बता दें कि आमिर खान ने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव को हाल ही में तलाक दे दिया था। आमिर ने 2005 में किरण राव से शादी की थी और उनका एक बेटा है जिसका नाम आज़ाद है और ये सरोगेसी से हुआ था। इससे पहले आमिर खान ने 1986 में रीना दत्ता से पहली शादी की थी। 16 साल बाद रीना से 2002 में उनका तलाक हो गया। आमिर और रीना के दो बच्चे हैं जिनके नाम जुनेद और आयरा है। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।